ओबीसी के साथ बहुत जास्ती हो रही है, बहुत सालों से हो रही है, बहुत पुरानी हो रही है। आखिरी आते आते अभी आखिरी समय ऐसा आ गया कि जीरो कर दिया ओबीसी को। 55% लोग जो प्रदेश में है उनको जीरो पर जाके खड़ा कर दिया, तो मजबूरी होगी कि बच्चों को मालूम पड़ा रही है, बच्चे रोड पे आए। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, पीछे आरपीएससी की भर्ती के अंदर आरएस हमारे 17 सीट आनी थी, वहाँ जीरो कर दी थी। वो जब हमने पूछा और ताकत लगाई तो वो सीटें 15 दे दी वापिस। तो उसके बाद में हर भर्ती के अंदर बदमाशी, हर भर्ती के अंदर एक 18 का सर्कुलर निकला डीओपी सेक्रेटरी का, उसको ओरिजेंटल वर्टिकल जो था उसको ओरिजेंटल कर दिया। उस बात को लेकर के हमारे को जीरो कर दिया। बहुत सी बातें ऐसी हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वो भी इसके साथ झांसी का। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, जो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई हुई है, इसी के सारे कानून फॉलो होते हैं। एक वहाँ आरएस सीनियर आरएस वहाँ उनका रजिस्ट्रार होता है, और उसमें SC ST का आरक्षण इन्होंने इनकी मर्जी पे है, इनका संविधान के, और ओबीसी का जीरो। क्यों ये जाती नहीं है हमारे साथ इस तरीके की दादागिरी और जाती कर रहे हैं? अब एक एक हक SC ST OBC ये आरक्षित वर्ग का जब तक नहीं मिलेगा, ये आंदोलन हटने वाले नहीं है, चालू रहेंगे। ये सरकार मान जाहिर कर ले, अगर ये सरकार नहीं कर पाएगी तो मैं ये करता हूँ कि अगर ये नहीं कर पाएगी तो ये धरना आज तो देख रहे हो आप एक दिन का, और आने वाले समय में इसी जगह ये परमानेंट पड़ाव लग जाएगा। तो आप सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसा चलेगा। इस जयपुर की रोडें बंद हो जाएगी। आज भी मैंने आखिरी टाइम पे यहाँ कमिश्नर साहब ने मेरे को कहा कि रोको, लोग बहुत आ रहे हैं। मैंने फ़ोन किया जगह जगह, बसें रुकवाई है। मैंने कहा मत आओ, यहाँ जगह कम पड़ दी है, नहीं तो आज ही मालूम पड़ जाता जयपुर को कि क्या क्या हाल है। आज 20,000 आदमी आने वाले थे, हमने रोक रोक कर इसको 10-12,000 के आस पास किए। अठारह के परिपत्र भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में और गलत रोस्टर के कारण 21% आरक्षण ओबीसी को होने के बावजूद भी शून्य पद हम लोगों को मिल रहे हैं, जो पिछले भर्तियों के नतीजे निकले हैं उसके अंदर। यह अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, और इस दोनों के अंदर तब्दीली, महिला आरक्षण के तर्क पर भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण की व्यवस्था कंपार्टमेंट के तौर पर, और सही रोस्टर, ये दोनों हमारी मांग है। और इसके बाद जो नुकसान हुआ 2018 के बाद उसकी भरपाई कर, भरपाई जरूर है, लेकिन सरकार द्वारा आगे की हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तक कि हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा ये संघर्ष जारी रहेगा। Thank you.